एनी क्वेश्चन अपन अब बेस्ड ऑन पावर, उसमें आप क्या देखेंगे, फर्स्ट व्हाट यू विल सी दैट अपन अब द पावर्स, जैसे साइन की पावर 5x था तो इसमें आपका नाम हियर द पावर ऑफ साइन x इज 5 व्हिच इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप क्या करेंगे इसमें आपका नाम इसमें z इज इक्वल टू आपने क्या किया cos x रखा। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, तो d बाय dx ऑफ z इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cos x, यहां पे पहला फार्मूला आपका लगा तो dz ओवर dx इज इक्वल टू माइनस sin x, ये ऊपर चले जाएगा तो नाउ द वैल्यू ऑफ sin x dx आपका माइनस dz हो जाएगा। देखिए अपना नाउ बिकॉज आपका इट हैज अ ऑड पावर, ऑड पावर है यानी यहां देखिए आपका x sin x dx आपका एक आ गया, इट मींस आपका आउट ऑफ दिस 5 पावर 1 पावर यू हैव दिस, अब आपका बचा क्या sin की पावर 4x आपका ना देखो दिस, तो अगेन sin की पावर 4x विल बी रिटर्न आपका ना देखो दिस sin स्क्वायर x की पावर 2 आपका देखो दिस, ये नहीं करना यहां पे, ये मल्टीपल नहीं रखना क्योंकि आपका देखो ये आपका यहाँ पे ओनली यू हैव टू यूज आफ्टर ट्रांजेक्शन साइन स्क्वायर एक्स की जगह में आपका यू कीप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वाई बिकॉज आपका ना देखो अकॉर्डिंग टू रूल जेड इज इक्वल टू यू आर कीपिंग आपका कॉस एक्स आपका ना देखो दिस 1 माइनस, अब आपका साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड द पावर 2 इन प्लेस ऑफ साइन एक्स डी एक्स आपने डी जेड रख दिया, दिस माइनस यू हैव टू कीप हियर तो आपका देखो ए 1 1 एंड इन प्लेस ऑफ कॉस एक्स जेड तो जेड का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने रख दिया, ए बी की वैल्यू आपने रख दी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका ना देखो दस, ना सेपरेटिंग सबको आपने अलग कर दिया, न्यूमरेटर सी है सेपरेटिंग आपका आप लिखते डिनोमिनेटर तो ही नहीं तो सेपरेटिंग आपका रहा देखो 1 डी जेड माइनस 2 तो ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर आपका देखो ना पहले से माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा तो डी जेड 2 जेड स्क्वायर जेड की पावर 4 अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने यूज किया तो डी जेड का जेड तो ये माइनस है 2 जेड की पावर एक्स की पावर एन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 और ओवर एन प्लस 1 तो 2 इंटू जेड की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस जेड की पावर आपका 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी और उसके बाद रिवर्स फॉर्मूले का मतलब इन प्लेस ऑफ आपका नाउ जेड अगेन यू हैव टू कीप कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2 बाई 3 जेड क्यूब एक्स माइनस जेड की पावर 5 मतलब कॉस श्योर तो जेड की पावर 5 कॉस की पावर 5x और बाई 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x root sin x dx ये root sin x है सर।